भारत की G-SAT-1 सैटेलाइट कब होगी लॉन्च? पहली बार SpaceX के स्टारशिप SN8 रॉकेट के प्रोटोटाइप का होगा टेस्ट। 3200 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन वाले टेलीस्कोप कैमरा का हुआ टेस्ट और कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स की एक और भयानक इमेज आई सामने। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं स्पेस अपडेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। आज की पहली अपडेट SpaceX के स्टारशिप SN8 रॉकेट के टेस्ट फ्लाइट को लेकर है। जैसा कि हम आपको अपने पहले के स्पेस अपडेट्स में यह बता चुके हैं कि SpaceX के द्वारा उसके स्टारशिप SN5 के स्मॉल प्रोटोटाइप की दो बार टेस्टिंग की जा चुकी है और यह जो स्टारशिप है वह SpaceX के फाउंडर और CEO इलॉन मस्क के मार्स कोलोनाइजेशन में काफी मददगार साबित होगी। लेकिन अभी इलॉन मस्क के एक नए ट्वीट के अकॉर्डिंग, जिसमें यह बताया गया कि SpaceX के द्वारा स्टारशिप SN8 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की जाएगी, जहां SN5 और SN6 की टेस्टिंग में इसके प्रोटोटाइप मात्र 150 मीटर की ऊंचाई तक फ्लाई हुए थे, वहीं SN8 के प्रोटोटाइप में इसकी फ्लाई सॉर्टी को 18 किलोमीटर तक करवाने की प्लानिंग की जा रही है और इसकी जानकारी इलॉन मस्क के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर दी गई। इस स्टारशिप SN8 के प्रोटोटाइप के इंजन टेस्ट को पहले ही किया जा चुका है और यह जो स्टारशिप SN5 है यह एक 50 मीटर का रॉकेट होने वाला है, जिसमें कि 30 रैप्टर इंजन्स का यूज किया जाएगा, जो कि इतना पावरफुल होगा कि मार्स और मून पर लैंडिंग बड़ी आसानी से कर सके। और SpaceX ने अपने पहले स्टारशिप कस्टमर को ढूंढ भी लिया है, जो कि 2023 में मून पर भेजे जाने वाले स्टारशिप रॉकेट की मदद से वहां पर पहुंचेंगे। और स्टारशिप का मून पर जाने वाला जो पहला कस्टमर है उसका नाम युसाको माएजावा है। और अगर सबको शेड्यूल के अकॉर्डिंग चला तो SpaceX नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एस्ट्रोनॉट्स को भी मून पर भेजेगा। आज की दूसरी अपडेट एक नए टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर करी गई टेस्ट इमेजेस को लेकर है। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के स्टैनफोर्ड लाइनियर एक्सीलरेटर सेंटर के टेलीस्कोप कैमरा सेंसर से पहली बार एक टेस्ट इमेज को कैप्चर किया गया और इस कैमरे का रेजोल्यूशन 3200 मेगापिक्सल का था और यह इतनी डिटेल इमेज थी कि इस इमेज को फुल डिटेल के साथ शो करने के लिए 370 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन को एक साथ सेट करना पड़ेगा। इस टेलीस्कोप के कैमरा की मदद से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दो गोल्फ बॉल्स की इमेजेस को कैप्चर किया गया। ये जो टेलीस्कोप कैमरा सेंसर्स हैं, वह एक SUV कार के साइज जितना बड़ा कैमरा है, जिसका वेट 20 kg का है और यह 20 फीट टॉल है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज किया गया है। जब यह टेलीस्कोप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसकी मदद से यूनिवर्स में मौजूद कई सारी अनसीन गैलेक्सीज और न्यूट्रॉन स्टार्स की डिस्कवरी आदि की डिटेल इमेजेस को कैप्चर किया जाएगा। यह टेलीस्कोप अब तक बनने वाले सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स में से एक है। बाकी क्या आपने अब तक इस टेलीस्कोप और इसके 3200 मेगापिक्सल के कैमरा के बारे में सुना था या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की तीसरी अपडेट अमेरिका की वाइल्ड फायर्स को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले स्पेस अपडेट एपिसोड में यह बताया था कि कैलिफोर्निया में खतरनाक वाइल्ड फायर्स की वजह से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द एटमॉस्फेयर यानी सीरा के द्वारा वाशिंगटन कोस्ट फायर्स की डिटेल्ड इमेजेस को पब्लिक किया गया है और इसके साथ कैलिफोर्निया ओरेगन फायर्स की इमेजेस को भी पब्लिक किया गया है और इन इमेजेस में भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में कार्बन की प्रेजेंस दिख रही है, जो कि जंगलों में लगी इन आग की वजह से हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में अब तक 10 लाख हेक्टेयर, ओरेगन में 1,21,000 हेक्टेयर और वाशिंगटन में अब तक 32,460 हेक्टेयर में यह वाइल्ड फायर्स फैली हैं, जिनमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और वहीं कई सारे वन्य जीवों की भी इन वाइल्ड फायर्स में अकाल मृत्यु हो गई है। अब बस किसी की आशा है तो इन वाइल्ड फायर्स के शांत हो जाने की। आज की चौथी अपडेट भारत के G-SAT-1 सैटेलाइट के लॉन्च को लेकर है। G-SAT यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट को 5 मार्च 2020 में GSLV-F10 रॉकेट की मदद से लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन बाद में इसरो द्वारा यह जानकारी दी गई कि G-SAT-1 सैटेलाइट के लॉन्च को किन्हीं टेक्निकल रीजंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। और जब यह न्यूज पब्लिक की गई थी, तब कई सारे मीडिया आउटलेट यह आर्टिकल पब्लिश करा था कि G-SAT-1 सैटेलाइट के लॉन्च को अमेरिकन इंटरफेरेंस के बाद कैंसिल
करा गया है, लेकिन यह न्यूज बिल्कुल भी गलत थी। और जब इसरो के वैज्ञानिकों से इस सैटेलाइट लॉन्च के पोस्टपोन होने की वजह पूछी गई, तब उनका कहना था कि GSAT-1 सैटेलाइट में आई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसके लॉन्च को पोस्टपोन करा गया था। इसके लॉन्च को 20-25 मार्च 2020 में लॉन्च के लिए शेड्यूल करा गया था, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन होने की वजह से इस GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया जा सका। और केवल GSAT-1 सैटेलाइट ही नहीं बल्कि इसकी सब्स्टिट्यूट GSAT-2 सैटेलाइट को भी अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन चाइनीज वायरस के चलते इसके लॉन्च में भी देरी का सामना देखने को मिला। बाकी आपको बता दें कि यह जो सैटेलाइट है वह 2250 किलोग्राम की एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसका रेजोल्यूशन 48-100 मीटर तक का है। और इस सैटेलाइट को अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाना है। और अब इस GSAT-1 सैटेलाइट के लॉन्च को नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर महीने के स्टार्टिंग में, बाकी इसके लॉन्च के पोस्टपोन होने में क्या सच में अमेरिका का इंटरफेरेंस हो सकता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।